इस सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस दिन हम टकराव पे आने पे आ गए तो फिर आपकी फोर्सेस रोक नहीं सकेगी, कि जैसे किसान मूवमेंट नहीं रुकी ऐसे ही मजदूर मूवमेंट नहीं रुकेगी। ये आप देख रहे हैं जो पूरा जनसैलाब जो उमड़ा हुआ है, आक्रोश रैली हो रही है आज दिल्ली में। ये पूरा जनसैलाब पूरा लाल लाल झंडे और बैनरों के साथ जो है पूरा मजदूर संघ है, पूरा मजदूर संगठन है, पूरा मजदूर जो पूरी दुनिया के मजदूर हैं वो आज यहाँ रोडों पर आ चुके हैं। लेकिन अभी जो है ये कूच करते हुए रामलीला मैदान से, मैं आपको सीधे सीधे तस्वीरें दिखा रही हूँ, पूरी तमाम तस्वीरें आपको दिखा रही हूँ, पूरे हालात दिखा रही हूँ कि ये जो तमाम लोग हैं जो चलते हुए आए थे वहाँ से रामलीला मैदान से, और उनके बाद जो है इनको रोक दिया गया। अभी इनकी कुछ मीटिंग हुई है, उसी पर अभी जान लेते हैं क्या कुछ हुआ है। अभी कुछ लीडर्स की मीटिंग हुई है, उसके बाद आपको क्या बोला गया है जो अब आप आगे बढ़ने लगे? रैली आगे बढ़ेगी, कुछ 5 डेलीगेट्स गए हैं राष्ट्रपति को ज्ञापन देने के लिए। अच्छा, 5 जो लोग हैं वो जा चुके हैं। जा चुके हैं। आपकी रैली को अभी अनुमति दे दी, अभी तो बैरिकेड से रोक दिया गया। आगे बढ़ने की अनुमति दे दी, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो अभी ये जो है इन लोगों को अनुमति दे दी है आगे बढ़ने की। सर अभी अभी 5-6 लोग आप लीडर्स बात कर रहे थे, वो लोग हम लोग को एक डेलीगेशन भेजने के लिए बोला और जुलूस करने के लिए भी बोला, तो हम जुलूस कर रहे हैं और डेलीगेशन भी भेजे हैं। तो भाई आपको अभी अभी आपको आगे निकलने दिया है, आपको अभी 144 धारा का जो है दिया जा। 144 धारा इस तरफ नहीं है। तो अभी जो है इनको आगे रैली बढ़ने के लिए जो है अनुमति दे दी गई है। सामने आप देख सकते हैं ये पूरे तमाम लोग जो है अलग अलग राज्यों से आए हुए तमाम लोग यहाँ पर, संगठन जो है पूरा मजदूर संघ जो है, पूरा जो तबका है लाल सलाम वालों का, जो जितना मजदूर लोग हैं, जो किसान भाई हैं, जो मजदूर किसान हैं, वो सारा यहाँ पर आज जन सैलाब, पूरी महारैली आज दिल्ली की, यहाँ पर तमाम लोग निकल के आ चुके हैं रोडों पर। सोचिए न्यूनतम मजदूरी जो इन्हें रुपए दैनिक जो 2600 रुपए देना चाहिए वो ना दे करके न्यूनतम मजदूरी जो इनकी 1000 रुपए है वो दैनिक 26000 रुपए जो है उसकी लेकर के इनकी मांग डिमांड है कि वो की जाए। 1000 रुपए न्यूनतम मजदूरी थी लेकिन इन्हें 331 रुपए ही दिए जाते हैं, और बावजूद उसके 331 भी ना दे करके ऐसा बोला गया है, 331 देने के लिए बोला गया है लेकिन 50 रुपए तक दिए जाते हैं। सोचिए मजदूरी इनको जो है 50 रुपए मिलती है। अभी तुर्कमान गेट की जो रोड है ये आप देख रहे हैं, यहीं पर ये लोग जो है पूरी रैली वहां से निकलते हुए अब ये तुर्कमान गेट की ओर आगे बढ़ गई है, क्योंकि बैरिकेड लगा दिए गए थे। धारा 144 का हवाला दिया गया था कि आप लोग जब आगे बढ़ेंगे तो धारा 144 का उल्लंघन करेंगे, उसके बाद इनके जो मजदूर संघ के जो लीडर्स हैं उनमें आपसी बात हुई और पुलिस वालों के साथ बात होने के बाद जो है इनको आगे रैली के लिए निकलने दिया गया है। बाकी जो 5-6 लोग लीडर्स हैं वो ज्ञापन सौंपने के लिए गए हुए हैं, वो ज्ञापन देने गए हुए हैं, लेकिन बाकी जो जनसैलाब आप देख रहे हैं इस जनसैलाब को आगे बढ़ने दिया जा रहा है और बोल दिया गया है कि आप जो है शांतिपूर्वक तरीके से विरोध प्रदर्शन अपना कर सकते हैं और इस रैली को आगे बढ़ा सकते हैं। तो वही तुर्कमान गेट की तरफ ये लोग अब जो है आगे बढ़ रहे थे, तो अभी ये देखिए आगे बढ़ते हुए। बाबा अभी आप लोगों को रोक दिया गया था, अब आपको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। बात ये है कि ये जो सोचते हैं कि मजदूरों की जो जीत का सवाल है वो ना बने, मजदूर डाउन हो, लेकिन हम इस सरकार को बताना चाहते हैं कि जिस दिन हम टकराव पे आने पे आ गए तो फिर आपकी फोर्सेस रोक नहीं सकेगी, क्योंकि हमको ये लहरें उठानी भी आती है, चलानी भी आती है, लेकिन हम ये समझते हैं कि डेमोक्रेटिक का आस्पेक्ट है, डेमोक्रेटिक रहना चाहिए। लेकिन ये मोदी ने आज दिखा दिया कि वो फाशीवादी हुकूमत है और फाशीवादी ही वो ऑर्डर देती है, क्योंकि ये पुलिस है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन है, उसके मुताबिक ये सारा कार्य कर रही है। और जैसे ही इन्होंने किसान मूवमेंट को रोकने की कोशिश की तो हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे किसान मूवमेंट नहीं रुकी ऐसे ही मजदूर मूवमेंट नहीं रुकेगी, क्योंकि जितना मजदूरों के ऊपर जबर इन्होंने किया है वो थोड़ा नहीं है, वो बहुत ज़्यादा है।
क्योंकि एक भी मजदूर जो घर में सुखी नहीं, सारे ही मजदूर जो हैंड टू माउथ हैं उनकी घर वाली हालत देखने की वाली है, और उनके बच्चों की, उनकी पढ़ाई की और उनकी सेहत सहूलतों की हालत बहुत बुरी है। इसलिए हमारा संघर्ष और आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा। ऐसा क्यों होता है कि जब भी सरकार कोई कानून लेकर आती है उसका विरोध होने लगता है, लोग सड़कों पर उतर जाते हैं? सरकार जो कानून लेकर आती है वो लटेरे वर्ग के हितों के लिए लेकर आती है, देसी विदेशी कारपोरेटरों के पक्ष में लेकर आती है। मजदूरों को कैसे लूटना है, उनके ऊपर दमन कैसे डालना है और उनकी जवान कैसे बंद करनी है, उस ढंग से लेकर आती है। इसलिए हम उसका विरोध करना है, क्योंकि हमारे खिलाफ है, हमारी क्लास के खिलाफ है, हमारे लोगों के खिलाफ है। वो लुटेरों के पक्ष में हैं, हम विरोध करते हैं, क्योंकि हमारा ही खून पसीने की कमाई से लिए वो दुनिया उसरी है, समाज उसरा है। लेकिन ये बात ये है कि जो इन्होंने कानूनों की बात की है वो हमारे फंडामेंटल राइट जो है वो भी जो वो छीने गए हैं, फंडामेंटल राइट जो प्रैक्टिकल रूप में वो नहीं चल सकते, क्योंकि फंडामेंटल राइट को चलने के लिए जो बेसिकल जो सहूलतें होनी चाहिए वो सहूलतें से उन्होंने ख़त्म कर दी। तो फंडामेंटल राइट गए, जब किसी को बोलने का अधिकार नहीं है तो एक नौ कानून से तो फंडामेंटल राइट से वो भी जाता रहा। अगर मान लीजिए किसी का रोजगार ही छीन लिया है तो वो कैसा नागरिक होगा? अगर किसी की जुबान छीन ली और किसी को जाति पाति धर्म के आधार पर बांटना शुरू कर दिया और एक हर जो क्षेत्र है उसमें एक ठेकेदारी प्रबंध लागू कर दिया, अरे कौन सा, अरे भाई फंडामेंटल राइट रह गया। ये बातें हैं, सरकार क्या आप लोगों को समझा नहीं पा रही है, मजदूर संघ को नहीं समझा पा रही, उस आम संघ को नहीं? नहीं नहीं, सरकार सबको जानती है, कोई समझने समझाने की बात नहीं है। उसका नंगे चट्टे रूप में लोगों के ऊपर दमन है, क्योंकि वो किस क्लास को की नुमाइंदगी करती है इसका सवाल है। वो विदेशी लटेरों के साथ पहले बात करती है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के की नीतियों को वो लागू करती है, ठीक नहीं? इसलिए हम कहते हैं कि हमारा देश जो है हमारे लिए आज़ाद नहीं है, ठीक है? उनके जो लुटेरा वर्ग है उनके लिए आज़ादी के सवाल होगा, हमारे लिए कोई आज़ाद नहीं है, ठीक नहीं? क्या उम्र है आपकी? हाँ जी, क्या उम्र है आपकी? मेरी 60 साल की उम्र है। हाँ, 98 बोल रहे हैं? नहीं नहीं, 68। हाँ जी। और रोडों पे उतरे हुए हैं क्या? हाँ, आपको घरों में बैठना चाहिए था, इस उम्र में आज रोडों पे उतरे हुए हैं? नहीं नहीं नहीं, जब तक हमारे सांस पे सांस है हम लड़ेंगे, हमारी जिंदगी ये है। वो तो जिंदगी खत्म हो गई जब हम घर में बैठ गए, हम तो चारपाई में बैठे भी जाकर लड़ेंगे, ये तो बात ही कुछ नहीं है। ऐसे ही जब किसानों ने आंदोलन किया था वहाँ पर, जब पूरा जमगढ़ पूरा इतना जनसैलाब उमड़ पड़ा था किसानों का, तो सरकार कह रही है कि हम समझा नहीं पाए या फिर वो समझ नहीं पाए, ये उनका झूठ है। क्योंकि वो तीन ही जो ला थे वो मजदूरों किसानों के और सभी गांव के मजदूरों के मार्केट के मजदूरों के सभी के खिलाफ थे, और तीसरा कानून सीधे रूप में वो जो है जो फूड का सवाल था वो 80% जो लोग हैं वो फूड के ऊपर जो निर्भर हैं उससे सीना चाहते हैं। आज भी पंजाब में अडानी वानी के जो वो बने हुए हैं गोदाम, लाखों टन जो अनाज उसमें जमा किया हुआ है, अरे भाई वो किसके लिए है? जब इनके हाथ में अनाज आ गया, इनके हाथ में जमीन आ गई, तो इनको मालूम है कि ये तो लोग खाएंगे ना, इसलिए इनको लगता है कि अगर हमारे हाथ में ये आ जाए तो हम मजदूरों को किसानों को हर चीज़ को अच्छी तरीके से लूट सकते हैं। और अब जो जो डिजिटल खेती की ये बात कर रहे हैं वो डिजिटल खेती भी ये है, वो भी लोगों के खिलाफ, किसानों के खिलाफ, 65% आबादी जो गांव की है। ये सरकार के तानाशाही सरकार है, उस मजदूर संघ के खिलाफ है, उस मजदूरों के खिलाफ है, क्या ये सरकार तानाशाही है? ये बिल्कुल तानाशाही नहीं, ये फासिस्ट सरकार है।
ये तानाशाही की बात ही नहीं, तानाशाही भी आगे ये फासिस्ट है। फासिस्ट का अर्थ ये है कि ये लोगों को आपस में लड़ाकर राज करना करने पा रहे। एक तो सिर्फ जबर का सवाल सीधा होता है, उसमें ये बात इसने शामिल कर ली कि लोगों को जाति पाति धर्मों के आधार पर कैसे लड़ाना है। वो जो लड़ाई है उसको टीका कर रहे हैं, कभी हिंदू मुस्लिम की लड़ाई पे कर रहे हैं और कभी पानी के मुद्दे के हिंदू खतरे में है इसलिए बोल रहे हैं हिंदू खतरे में है। नो 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 नो, हिंदू खतरे में नहीं है, ये बात नहीं है। असल में हिंदू लोगों को ध्रुवीकरण करने के तहत ये वोटों का सवाल को भी हल करती है, लेकिन दूसरी तरफ ये भी है कि यूपी है, बिहार है, वहाँ के जो मजदूर हैं, जो हिंदू भी हैं, पंजाब में आके काम करते हैं, उनको बताओ कि ये क्यों है। ये बेरोजगारी मुसलमानों के कारण नहीं है, ना कैसे दबी कचड़ी जो जनजाति हैं उनके कारण है। ये इसके कारण है क्योंकि यहाँ पर जो पूंजीवादी प्रबंध है, इनकी आर्थिक सरमायादारों की जो कंट्राडिक्शन चलती है, उसके तहत ये टेक्निक लूटने के लिए, मेहनत को सस्ता करने के लिए जब ये आगे बढ़ाते हैं, उसके साथ बेरोजगारी पैदा होती है। बेरोजगारी का कारण ये नहीं है कि दलित जाति या मुसलमान या सिख, वो इसका कारण नहीं है। तो ये देखिए तमाम लोग जो है रैली चलती हुई रामलीला मैदान से चलती हुई जो है तुर्कमान गेट पहुंच चुकी है। तुर्कमान गेट से अभी यहाँ से चलते हुए पूरा जा रहे हैं। तो आप ये देखिए सरकार की बनाई हर जो नीति है वो इस तरीके की होती है कि उसका विरोध होने लग जाता है। क्यों सरकार हमेशा नाकाम हो जाती है उस तबके को समझाने के लिए क्यों नाकाम हो जाती है समझ में नहीं आता है। क्यों लोग जो है उनकी हमेशा से नीतियों का कानूनों का विरोध करने के लिए सड़कों पर उतर जाते हैं, क्योंकि जो सरकार है लगातार इस तरीके के कानून ला देती है कि फिर उसके बाद जो है उनको ये जवाब देना पड़ता है कि शायद हम समझा नहीं पाए। तो वही है चार लेबर कोड जो कानून लाया गया है, उसी को रद्द करने के लिए तमाम मजदूर जो संघर्ष समिति है, ये पूरा तमाम मजदूर तबका है, सड़कों पर उतर गया है। इसमें तमाम किसान भाई है जो मजदूरी करते हैं, तमाम वो लोग जो यहाँ अलग अलग राज्यों से आ करके आज प्रदर्शन कर रहे हैं। लगातार मांग डिमांड इनकी यही है कि इस जो चार लेबर कोड को है वो रद्द किया जाए, उसी को लेकर के यहाँ पर जो है जन आक्रोश रैली आज दिल्ली में महा रैली निकाली जा रही है, जिसको अभी रोक भी दिया गया था। उसी के चलते ये रैली अब चलते चलते पूरी वहाँ से चलते हुए पूरा रामलीला मैदान के पूरा राउंड मारते हुए आई है। और लगातार यहाँ पर जो ज्ञापन देने वाले जो लोग हैं, चार लोग हैं, लीडर्स लोग हैं, वो ज्ञापन देने के लिए जा चुके हैं, लेकिन अभी इन्हें शांतिपूर्वक तरीके से पूरा एक राउंड मारने दिया गया है। पूरा तुर्कमान गेट से आगे तक बढ़ चुके हैं और ये फांसीवादी सरकार के कानून का विरोध करते हैं कि इस तरीके के कानून ना लाए जाए, ना ही थोपे जाए। जो आम जनता है वो त्रस्त हो चुकी है, जो उनका मानदेय है वो उनको दिया नहीं जाता, वो मजदूरी नहीं दी जाती है। इसीलिए आज ये जन आक्रोश महारैली आप देख रहे हैं, उसी के तमाम हालात मैं आपको दिखा रही हूँ कि तमाम लोग कैसे सड़कों पर उतरे हुए हैं और हमेशा से हल्ला बोल करते हुए अपने हक अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। इसी के साथ मैं आपको पूरे हालात दिखाती रहूंगी, देखते रहिए, बने रहिए जनहित आवाज पे। मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ मैं पूजा, तुर्कमान गेट, दिल्ली।